नमस्कार, आप ये देख सकते हैं गुरनाम चुरनी जो है अब पहुंचे हैं एक बार फिर से। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गुरनाम सिंह चुरनी हमारे साथ मौजूद हैं, बात का करने का प्रयास करते हैं इनसे। और सामने देखते हैं काफी किसान यहां इकट्ठा हो चुके हैं और गुरनाम सिंह चुरनी है जो यहाँ देख सकते हैं आप, टोल प्लाजा पर जाने की बात की जा रही है। और हमारे साथ साथ मौजूद है गुरनाम चुरनी, आप देख सकते किसानों से घिरे हुए हैं और इनसे नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये इनको जो चोट लगी है सामने। गुरनाम सिंह जी, जैसे इनके जैसे काफी किसान घायल हुए, क्या कहना चाहेंगे? तो किसान घायल हुए, अरे एक बार बोलिए 10 बार बुलवाओगे। किसान कितने घायल हुए बता दीजिए, हर बात के लिए बुला रखा है, उनको बात नहीं करते। यहाँ देख सकते हैं, कैसे लगी चोट आपको? पुलिस वाला डंडा मारा जी, पुलिस वाला। कितनी उम्र आपकी है? यही, मैं यहीं पे बैठा हूं। आपकी? मेरी 60 साल। 60 साल। कहाँ से हैं? शेखपुरा खालसा। शेखपुरा से हैं? हाँ जी। तो पुलिस ने मारा हमारा? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति है, 60-62 साल के हैं और उनका सिर फूटा हुआ है। उनका साथ कह रहे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने डंडा मारा उनके सिर पे, जिससे उनके यहाँ लहूलुहान स्थिति बनी हुई है। गोलियां चली हैं, गोलियां चली हैं, चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चली हैं। यहाँ पे कोई चंगा अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं। बुजुर्ग भाई सवेरे के 10 बजे की लाठी चार्ज करने लग रही है, क्या काम कर रहे हैं? यहाँ काफी किसानों की यह हालात है और काफी किसान ठीक होता जी। एक मिनट यार, देख लो तो मैडम साइड ही नहीं हो रहा। ओ भाई काम तो करने के तारीख पर आया है यार, बोल किस तरह आया तू यार, बोल कैसे आपके लिए आया दवाई तो ले लो जी, ले लो दवाई तो। ये किसान नेत्री है कि बुजुर्ग किसान को देख रही है, उनका हाल चाल जानने का प्रयास करिए। बहन जी जो ये हालात हैं आज, जो किसान है, बुजुर्ग किसान है, बुजुर्ग किसानों के सर फोड़े जा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं, नाक तोड़े जा रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं बस्तर टोल प्लाजा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है जी, देख के रोना आ रहा है बस। अपने बुजुर्गों की ये हालत देखी नहीं जा रही है, खट्टर सरकार का नाश जाएगा और कुछ नहीं है। और अगर वो सोचते हैं कि यूं मार पीट के डरा धमका के हमें घरों में बंद करके बिठा देंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हमारा एक एक बच्चा बच्चा औरत बूढ़ा सब आ खड़े होंगे, पर उनकी जो तानाशाही है वो नहीं चलने देंगे। सरकार के से इस रवैये के बाद, जैसे कि किसानों पर लाठीचार्ज किया है और लहूलुहान कर दिया गया किसानों को, जो देश का किसान है अन्नदाता, उसका वही सड़कों पर खून बह रहा, तो क्या कहते हैं अगली रणनीति क्या होगी किसानों की? रणनीति हमारे आगू अभी बैठ के बनाएंगे, हम यहाँ पे पहुँचे हैं अभी बैठ के सलाह करते हैं और हमारे भाइयों के बचाव के लिए और आगे सरकार इतना गलत कदम ना उठाए उसके लिए बैठ के भी सलाह करके आपको बताया जाएगा। बहन जी क्या करें जगह सरकार के इस रवैये को लेकर, क्या संदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? फूकते हैं सरकार के इस घटिया रवैये पर, डूब के मर जाइए। अगर आपको लड़ना है तो मर्दों की तरह सामने होके लड़िए ना, इस तरीके से क्या वार करते हैं आप? बैठे के बैठाए किसानों पर वार करना कहाँ? बहन जी बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा ना, बुजुर्गों को बख्श रहे हैं ना, बच्चियों को ना औरतों को बख्श रहे हैं, तो गंदी सरकार है, इस शर्म तो इसमें बची नहीं है। तो आज देश का जो देश का जो अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, आज उसका खून सड़कों पर बह रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की बात पर? इस सरकार ने खून बहाना ही सीखा है और कुछ नहीं सीखा। एकता शांति बनाए रखना इस सरकार ने नहीं सीखा है, इसने खून बहाने की वो चीजें देखी है। पहले हिसार में बहाया, टोहाना में बहाया, अब वो यहाँ पे करने की तैयारी में है। और आगे जो हमारी जो आंदोलन एक मजबूती पकड़ता जा रहा है, उस आंदोलन को गिराने के लिए और उस लेवल को कम करने के लिए जो है ये फिर से कोई ना कोई स्वांग रचने की कोशिश। इस तरह की जो स्थिति है लगातार एक साल, 26 नवंबर से लागू हुआ था। हड्डियां टूट चुकी हैं, एक की नाक की हड्डी टूट चुकी है, ये टूटी हुई हड्डियां सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये देखा आपने ग्राउंड में मतलब दर्शकों को दिखाया है, किसान महिला नेता थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टूटी हुई हड्डियां हैं वही एक दिन किसान सरकार की रीढ़ की हड्डी के तोड़ने का काम करेगी। आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार आम किए बस तारा टोल प्लाजा से सभी तरह के अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ग्राउंड पीडियो के माध्यम से, हम आपको एक एक खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।